हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज की हड़ताल पांचवे दिन भी नहीं टूटी। रोडवेज की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। रोडवेज का घाटा लाखों में पहुंचता जा रहा है, तो यात्रियों की परेशानी में कोई कमी नहीं आई है। पांचवे दिन भी वही तस्वीर, रोडवेज बस स्टैंड पर धरना, खड़ी हुई बसें और निजी वाहनों में फंसे हुए यात्री। यात्री रोडवेज प्रबंधन से रोजाना पूछते हैं हड़ताल कब तक चलेगी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जारी रोडवेज हड़ताल अब यात्रियों पर भारी पड़ने लगी है। लोग मजबूर में निजी बसों की तरफ बढ़ रहे हैं। यात्री भार बढ़ने के कारण अब निजी बस संचालक चांदी काट रहे हैं। वहीं हड़ताल के कारण रोडवेज को रोजाना भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि बीते जुलाई में हड़ताल के दौरान सरकार ने संयुक्त मोर्चे के साथ 27 जुलाई को एक समझौता किया था। इस समझौते में राज्य सरकार ने उनके सभी मुख्य मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। मजबूर होकर वे सभी फिर हड़ताल कर रहे हैं। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।